अस्सलाम वालेकुम, दिस राहत खान और ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तान के एक लंबे तवील कैरियर वाले प्लेयर शुएब मलिक के लिए बनाई जा रही है। ये जो कि एशिया कप के उसने नज़र नहीं आया कहीं ना नैदरलैंड, चलो नैदरलैंड तो चल जाएगा, लेकिन एशिया कप के जो टीम सिलेक्शन है उसमें शुएब मलिक का नज़र ना आना एक वाकई हैरत की बात है। कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं है और आवाम का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा इस टीम के हवाले से। और शुएब मलिक की जगह जहाँ तक इफ्तिखार अहमद को ऐड करने की बात है तो इनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं बनता। शुएब मलिक बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं और उनकी गेम सब जानते हैं, स्पिन के ख़िलाफ़ उनका स्ट्राइक रेट पूरे पाकिस्तान में और शायद ही किसी का होगा, मेरा ख्याल है नहीं है। एशिया कप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन उन्हें किया और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी उनका है पड़ा, तो उनकी सिलेक्शन ना करना एक तो समझ से बाहर है, दूसरा कि सीनियर प्लेयर के उनसे इंटरेस्ट जो है आवाम का डेवलप होता है। हैदर अली को देख लें कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई याद है उसकी, बस एक 50 याद है बाद जाकर उसने की उसकी वो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसकी कोई खास परफॉर्मेंस देखी नहीं है ना वो खेला है इतना। पाकिस्तान ने तो खैर इस साल 2022 में सिर्फ एक T20 खेला है, आगे भी वनडे के लिए खेलने जा रहे हैं नैदरलैंड के साथ, पता नहीं क्या बनेगा, बगैर प्रैक्टिस के टेस्ट खेल के रिसेंटली जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है T20 होने चाहिए थे। बहरहाल शुएब मलिक को ऐड करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, उसकी इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, उसके अलावा ही यंग, स्टिल यंग, और मुझे नहीं लगता कि वो माशाल्लाह से बूढ़े होंगे, ही इज़ यंग और बेहतरीन टैलेंट है, उसके अलावा एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। स्पिन के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे यूएई वगैरह ऐसी जगह पर, तो यूएई दुबई वगैरह ऐसी पिचेस पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और सुनने में ये भी आया कि इंडिया जो है 11 से 12 ओवर स्पिन के निकलवा सकता है, तो जब ऐसे मौका होगा कि स्पिन के इतने ओवर निकलेंगे तो बक्से मौके पर जब स्पिन के इतने ओवर निकलवाने के चांसेस हों तो पाकिस्तान के पास कोई स्पिन खेलने वाला भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। और शुएब मलिक सब जानते हैं इज़ बेस्ट प्लेयर, वो ना भी खेले उसका नाम ही बहुत है कि इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए। कुछ प्लेयर होते हैं बड़े नाम होते हैं बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, तो इसी तरह का वो एक नाम है, बड़े टूर्नामेंट का बड़ा प्लेयर है और उसने अपने आप को साबित किया हमेशा, उसे शामिल करना चाहिए, वो ना भी खेले उसका नाम बहुत है टीम में, अगर वो होगा तो इंटरेस्ट होगा, देखने में मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है, जो कि वर्ल्ड कप में रिसेंटली हमने देखा है, एक्सपीरियंस लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अच्छा खेले हैं वो, एक बात क्लियर है कि अच्छा खेले हैं, बट एक्सपीरियंस होता तो हम शायद सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं, फाइनल भी उठा लेते, अच्छी अच्छी टीम थी। तो शुएब मलिक को होना चाहिए, एक सीनियर प्लेयर लाजमी होना चाहिए, मेरी पर्सनल यही रहे है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो यहीं तक।